बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हफ्सा हैंडमेड रेसिपीज़। अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ के हलाल खाने और कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तक के व्यूअर्स, आपको पता है कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, झटपट और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चले आए व्यूअर्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स जग लेंगे, इसमें 2 गिलास बड़े पानी की शामिल कर लेंगे। पानी डालने के बाद इसमें 4 टेबल स्पून ओरी टैंग शामिल कर लेंगे। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें। टैंग डालने के बाद इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल कर लेंगे। नमक शामिल करने के बाद इसमें 6 टेबल स्पून चीनी शामिल कर लेंगे। मीठा आप इसमें व्यूवर्स अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार आप ये रेसिपी इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़े सब खुश होकर खाएँगे। इसको कवर कर लेंगे और अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमने जो चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। ब्लेंड हो जाने के बाद कुल्फ़ी को जमाने के लिए यहाँ पर हम डिस्पोजेबल ग्लास लेंगे और टैंक को 1 बाय 1 इन 4 गिलासों में डाल लेंगे। व्यूवर्स, 4 गिलासों में टैंक डालने के बाद आप इसको किसी पेपर से अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। पेपर को रोकने के लिए आप टेप या किसी धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर से कवर करने के बाद इसको छुरी की मदद से कट लगा लेंगे। कट करने के बाद स्टिक लेंगे, यह स्टिक आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इन स्टिक्स को 4 गिलासों में कट की हुई जगह पर 1 बाय 1 लगा लेंगे। अब इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में जमाने के लिए रख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, 7 से 8 घंटे के बाद हमारी कुल्फ़ी जम चुकी है। अब इनका पेपर रिमूव कर लेंगे। अब इस गिलास को सादे पानी में रख लेंगे ताकि गिलास में जो कुल्फ़ी है वो आसानी से बाहर आ जाए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।